परेशानी तो विभाग खुद करके देता है, ठीक है ना। सरकार को मालूम है कि 6, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 इतनी कैटेगरीज है, इतना सिस्टम देना चाहिए था ना। दूसरी बात, दिव्यांग भी लाइन में लगे हुए हैं, जो खड़े नहीं हो सकते उनको लाइन में लगा के रखा हुआ है, 3-4 घंटे से वो लाइन में लगे हुए हैं। और तीसरी बात ये कि इस तरह से भेड़िया धसान करने की व्यवस्था आखिर कौन देगा, टीचर ही सबसे निरीह है। व्यवस्था सही से नहीं किया गया है, अगर व्यवस्था रहता तो इस तरह का नहीं होता। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, ये क्या व्यवस्था है, हर काम ये लोग ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले इन लोगों की सक्षमता की परीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। 3 घंटे से खड़े और इसके बाद एक और बायोमेट्रिक्स का मिलान आप लोगों को करा रहे हैं। बहुत परेशानी है, एक लाइन में उधर से हम लोग आए तो यहाँ पर सिग्नेचर हुआ है, यहाँ पर बायोमेट्रिक हो रहा है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ लोग है, हम परेशान हैं। लगता है कि यह मर जाएंगे जैसा नहीं गर्मी से। यह ब्लॉक वाइज कर दिया रहता है, यहाँ 3 ब्लॉक का है, अब ब्लॉक वाइज कर दिया रहता है, तीनों अलग अलग रहता है तो इतना भीड़ नहीं होता है, इतना परेशानी नहीं होता। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों का बायोमेट्रिक्स का मिलान आज किया जा रहा है, लेकिन जो केंद्र बनाया गया है यहाँ पर काफी अव्यवस्था देखने को मिल रही है और महिलाएं काफी ज्यादा इसी क्रम में परेशान होती नजर आ रही हैं। महिलाओं से बात भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं जो कतार लगी हुई थी उस कतार में किस तरीके से लोग जो है वो व्यवस्थित ढंग से खड़े नहीं है, और इसके अलावा तमाम जितने भी लोग हैं वो काफी परेशान नजर आ रहे हैं। और ऐसे में क्या परेशानी है, क्या दुविधा है, इनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर काफी शोर होता भी दिख रहा है। मैम क्या परेशानी हो रही है? परेशानी तो विभाग खुद करके देता है, ठीक है ना। सरकार को मालूम है कि 6, 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 इतनी कैटेगरीज है, इतना सिस्टम देना चाहिए था ना। दूसरी बात, दिव्यांग भी लाइन में लगे हुए, जो खड़े नहीं हो सकते उनको लाइन में लगा के रखा हुआ है, 3-4 घंटे से वो लाइन में लगे हुए हैं। और तीसरी बात ये कि इस तरह से भेड़िया धसान करने की व्यवस्था आखिर कौन देगा, टीचर ही सबसे निरीह है। और टीचर से उम्मीद की जाती है कि टीचर सब कुछ अच्छे से करे। और मैम तो अभी तो 3 घंटा से लगे हुए देख ही रहे हैं, परेशानी है, परेशानी है अभी। 3 घंटे से आपने लाइन में लगे हुए, काफी शोर भी हो रहा था। ऐसे में आप इस तरफ से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि तमाम लोग जितने भी है यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करते, काफी शोर हो रहा था। सर क्या बात है? व्यवस्था सही से नहीं किया गया है, अगर व्यवस्था रहता तो इस तरह का नहीं होता। नहीं, आगे में काफी ज्यादा तादाद में लोग खड़े, कोई अरेंजिंग नहीं रहेगा, इसी तरह से ना होगा। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 सब इस हॉचपॉच हुआ हुआ है, आप लोग ये देख ही रहे हैं। ठीक है, आगे भी आपको ले चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे। सर थोड़ा सा जाने दीजिए, कितनी परेशानी हो रही है? हो रही, बहुत हो रही परेशानी। काफी शोर भी यहाँ पर हो रहा था, क्या भीड़ है, किसी का शोर हो रहा है। 4 घंटे से खड़ा है। 4 घंटे? हाँ। क्या परेशानी हो रही है मैम यहाँ पर? क्या परेशानी हो रही है? भीड़ है ना काफी, इतना परेशानी हो रहा है, कोई भी चीज सिस्टम से नहीं हो रहा है। सुबह से हम लोग लगे हुए हैं, ये क्या व्यवस्था है, पदाधिकारियों को ये इतना समझ नहीं है कि इसी चीज को ठीक ढंग से भी किया जा सकता है। तो ये पूरी तरह से केओस का माहौल बनाना इन लोगों का उद्देश्य है, हर काम ये लोग ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले इन लोगों की सक्षमता की परीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। 3 घंटे से खड़े और इसके बाद एक और बायोमेट्रिक्स का मिलान आप लोगों को करा रहे हैं। बहुत परेशानी है, एक लाइन में उधर से हम लोग आए तो यहाँ पर सिग्नेचर हुआ है, यहाँ पर बायोमेट्रिक हो रहा है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ लोग है, लाइन से बेलाइन से सब हो रहा है, लाइन भी सही तरीके से लोग नहीं लगे, एकदम नहीं लगा रहे हैं, कोई व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर। परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी। हम बूढ़ा आदमी हैं, अब
हम परेशान हैं, लगता है कि जब मर जाएंगे जैसे नहीं गर्मी से। कितने सालों से सेवा दे रहे हैं सरकार? हम 20 वर्ष से दे रहे हैं सेवा। और क्या हालत है जो देखिए, माथा दर्द कर रहा है खड़ा खड़ा। कितने घंटों से खड़े हैं सर? 5 घंटा से खड़ा है। 5 जी, ऐसे में काफी दिक्कत हो रही है। बहुत दिक्कत है, परेशानी बहुत है, देख रहे हैं आप भी, देख रहे हैं परेशानी बहुत है, परेशानी की कमी है। कभी यहाँ परेशानी, कभी डीओ ऑफिस में खिड़की पर लटक करके जो है से साइन करवाना, ये सब क्या जो है से शिक्षकों का स्थिति है। आप लोगों को ही क्यों हर चीज़ों में बुलाया जाता है? अब सरकार क्यों बुला रही है, अब सरकार समझे। हम लोग जो कह रहा है कर रहे हैं, जो कहा जा रहा है कर रहे हैं। सक्षमता परीक्षा भी ली गई? हाँ दिए, देने के लिए कहा गया, दिए। कितने घंटों से खड़े हैं? 4 घंटे से खड़े हैं, अभी तक जो है प्रोसेस नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ है। हाँ वही कारण है ना, यही व्यवस्था जो ठीक ठाक रहता तो इतना टाइम नहीं लगता। या ब्लॉक वाइज कर दिया रहता, यहाँ 3 ब्लॉक का है, अब ब्लॉक वाइज कर दिया रहता, तीनों अलग अलग रहता तो इतना भीड़ नहीं होता है, इतना परेशानी नहीं होता। है कि साफ तौर से जितने भी यहाँ पर तमाम शिक्षक पहुँचे उन्हें काफ़ी ज़्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी देर से शिक्षक खड़े, घंटों से कतार में लगे हुए हैं और ऐसे में उन्हें किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वे खुद ही बता रहे थे। कैमरा पर्सन नितिक के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।